फ्रेंड्स, मैं बरखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नंबर कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें जो क्वेश्चन था सितंबर 2016 वाला 60 क्वेश्चन नंबर था, लास्ट क्वेश्चन था मेरी वीडियो का, तो उसमें जिक्र किया गया था की कॉन्सेप्ट्स ऑफ काउंटिंग, या फिर इनको हम बोल सकते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, की भाई जब हम बच्चे को काउंटिंग सिखाने से पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ जाने चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि दोबारा समझा दीजिए, तो इसके लिए वीडियो बनाने पड़ रही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्टेबल ऑर्डर। स्टेबल ऑर्डर में क्या बोल रहे हैं कि भाई बच्चे को आइडिया है कि किस सीक्वेंस में हमारी जो है काउंटिंग चलती है, कि कंसिस्टेंट है, कि वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा, कि ऐसे चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि थ्री के बाद डायरेक्ट फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसे कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, प्री नंबर कंसेप्ट है। ऑर्डर इररिलेवेंस, जिसका जिक्र हुआ था लास्ट वीडियो में, द आइडिया दैट द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बिगिन विद एनी ऑब्जेक्ट इन आ सेट एंड द टोटल विल स्टिल द सेम। अब इसमें क्या बोल रखा है कि मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, जिसमें मैंने बना दी कोई भी, यहाँ से फाइव बोल्स है मेरे पास इस सेट के अंदर। तो अब इसमें क्या बोल रखा है कि मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ वन टू थ्री फोर फाइव, तो भी ये फाइव ही, मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूंगी वन टू थ्री फोर फाइव तो भी फाइव है, मगर मैं ऐसे काउंट करूंगी वन टू थ्री फोर फाइव तब भी ये फाइव ही है। यहाँ मतलब बताने का सिर्फ मतलब इतना है, ऑर्डर इररिलेवेंस बच्चे को तब आएगा जब उसको पता है कि भाई मैं कहीं से भी काउंट कर लूँ ये काउंट तो पूरा का पूरा उतना ही रहेगा। अगर एक सेट के अंदर चीजें, ये नहीं होगा कि मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो ये फोर बन जाएंगे, यहाँ से काउंट करूंगी तो थ्री बन जाएंगी। अब अगले की बात करते हैं, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन आपने पियाजे की थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि वो नैरो ग्लास वाला और जो वाइडर ग्लास वाला कंसेप्ट है वो लग जाएगा यहाँ हमारा किसमें, कंजर्वेशन में, ठीक है। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको इसकी इमेज भी शो कर देती हूँ भाई कंजर्वेशन की। ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं इमेज, ये जो हमारी है ये कंजर्वेशन को शो कर रही है। इसमें क्या है कि भाई बच्चे को जैसे मैंने पास पास बोल दिखाई कि वन टू थ्री फोर फाइव और बोल दूर दूर रख दी वन टू थ्री फोर फाइव, तो बच्चे को पता होना चाहिए भाई ये पहले भी पास थी और ये अब भी पास है। मतलब नहीं है इस चीज का कि भाई पास रखे हैं मैंने दूर रखे हैं कि ये सेम बोल रहेंगी। तो यही वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जो पियाजे की थ्योरी में भी डिस्कस किया गया है। अब एक एब्स्ट्रैक्शन, ये भी कल की थ्योरी में डिस्कस हुआ था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक तो ऑर्डर इररिलेवेंस नहीं फॉलो हो रहा है और दूसरा उसमें एब्स्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है द आइडिया दैट द क्वालिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट थिंग्स, कि भाई क्वालिटी जो रिप्रेजेंट की गई है डिफरेंट थिंग्स की। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि ये मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर एक बोल है, ठीक है, या आप कह लो सर्कल है, एक मेरे पास है पैरेललोग्राम, एक मैं बना लेती हूँ स्क्वायर, थोड़ी सी शेप रेक्टेंगल, ठीक है, एक हो गया मेरे पास में ट्रायंगल, ठीक है, और एक मैं चलिए स्टार बना लेती हूँ। तो इसमें ये बोला गया कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कल का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था कि बच्चा तीन बॉल दो पेंसिल अलग अलग बता रहा था। अब अगर एब्स्ट्रैक्शन बच्चे को आता होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि चीजें मेरे पास सेट में अलग अलग है या सेम है, वो इनको सिंपली काउंट कर लेगा वन टू थ्री फोर फाइव। पर अगर एब्स्ट्रैक्शन नहीं है ना, तो मैं बच्चे से पूछूंगी तो बोलेगा एक तो सर्कल है इसमें, एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक स्टार है इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे भी बच्चा बता रहा था कि भाई तीन शॉर्पनर है तीन रबड़ है, तो इस वजह से यहाँ पे ना बच्चे को अगर सेम ऑब्जेक्ट को भी काउंट कर रहा है तो भी भाई उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन है। कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे पांच ये सर्कल ही बना दिया और इसको काउंट कर रहा है तो भी एब्स्ट्रैक्शन है। और ये उस आइडिया के लिए भी हो सकता है जो फिलहाल हमारा प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मैं बच्चे को बोलती हूँ, जैसे मम्मी बोल रही है कि डॉक्टर बन जाओ, पापा बोल रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, भाई बोल रहे हैं कि उसमें फौज में भर्ती हो जाओ, तो अब बच्चे के पास टोटल कितने आइडियाज हो गए, तीन। तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि मम्मी ने अलग आइडिया दिया वो एक हो गया, पापा ने दिया तो वो दूसरा, और भाई ने दिया तो तीसरा, कि तीनों अलग अलग आइडिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हम अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस।
वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर था पैडागोगी का. अब इसमें क्या है, द आइडिया दैट ईच ऑब्जेक्ट बिगिन काउंटिंग मस्ट बी गिवन टू द सेम एंड ओनली वन काउंट. कि भाई जो आइडिया हम देते हैं ना कि एक चीज है ना उसको एक ही बार काउंट करेंगे. कि जैसे मैंने आपको उस फर्स्ट क्लास में दिया था कि मैंने यहाँ पे ये बना दिए दो, ये तीन टेडी बियर बना दिए, सबके लिए मेरे पास एक एक चॉकलेट है. तो बच्चा बता देगा हाँ भाई जितने हैं ना उसके पास उतने ही चॉकलेट है, कि वन टू वन एक चीज के लिए एक ही अवेलेबल है. अब अगला प्रिंसिपल कार्डिनेलिटी. कार्डिनेलिटी को हम क्या बोलेंगे, द आइडिया दैट द लास्ट काउंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट. कि भाई लास्ट काउंट जो, मतलब जैसे मैंने काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5, कि जहां जितनी मैंने, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ही है, मैं इन्हीं को काउंट कर लेती हूँ यहां से 1 2 3 4 5 6, कि जो मेरा लास्ट काउंट होगा ना एक सेट में उतने ही ऑब्जेक्ट होंगे. तो यहां बच्चा कार्डिनेलिटी को समझ जाएगा कि जितनी मेरे पास चीज है उतनी ही है, कि जितने मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं उतने ही एक्चुअली में रियलिटी में हैं. ठीक है, तो अब अगले प्रिंसिपल की ओर चलते हैं अपने, जो हमारा प्रिंसिपल है मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी. अब मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी क्या बता रहा है, कि अगर ये जैसे नंबर लाइन शो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम एक तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं इस नंबर लाइन पे, तो क्या हो रहा है, हमारा एक काउंट बढ़ रहा है. जैसे वन से टू की तरफ गए तो एक नंबर और बढ़ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट था अब एक और मिलके दो हो गए दो. और अगर हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएं तो क्या होगा, तीन से हमारे दो ऑब्जेक्ट होंगे. तो बच्चा समझने लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी क्या है, कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी जब हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं और डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, कि थ्री से फोर पे इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में एक नंबर. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटाइजिंग. अब यूनिटाइजिंग का क्या है, यहाँ बच्चे को पता लग जाए कि यूनिट से ही इसको तोड़ के कर लेते, कि यूनिट एक यूनिट में कितना है. कि वन से नाइन तक तो कि भाई हमारे वंस आते हैं, और फिर नाइन के बाद जैसे ही हम टेन लिखते हैं ना, तो ये हमारा टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. कि जैसे जब हम देखते कि एक एक चीजों के, मतलब एक बार अगर दस चीजें कर ले तो उसका दस, एक एक के दस चीज को मिला के एक हमारा दस का बंडल बन जाता है. तो यही बात वही बच्चे को समझाई गई है, द आइडिया दैट इन द बेस टेन सिस्टम ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू टेंस वंस द काउंट एक्सीड्स टेन. कि भाई बेस सिस्टम जो हमारा ना, बेस टेन पे काउंट करते हैं हम, जो ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे हैं, बेस टेन पे काउंट होता है. कि जैसे ही हमारा जो आगे बढ़ेगा, नाइन से आगे बढ़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंस बन जाएगा वो हमारा. ऐसे ही 99 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. तो यहाँ बच्चे को ये समझ में आ जाता है. लास्ट हमारा कंसेप्ट बचता है सबिटाइजिंग. सबिटाइजिंग क्या बोल रहा है, अनदर इंडिकेशन दैट द चिल्ड्रन आर कंसोलिडेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी इन देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्मॉल क्वांटिटीज विच हैव. अब भाई इसमें मैं चलिए आपको इसका ना एक इमेज दिखा देती हूँ, जिससे और क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, अभी इमेज शो होगी स्क्रीन पे, उससे आपको और पता लग जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. इसमें देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें इसने बोला कि भाई जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आप पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके, कि मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को काउंट करे बिना ये बता दूंगी कि किस में ज्यादा है. ये जैसे डॉट कार्ड्स हैं, बच्चा बता देगा कि हाँ भाई ये ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये 3 है, ये 4 है, बिना काउंट किए बच्चा बता देगा कि कौन सी क्वांटिटी हमारी ज्यादा है. इसको क्या बोलते हैं, सबिटाइजिंग. जैसे इसको डॉट कार्ड 4 5 बोलेंगे, इसको डॉट कार्ड 4 3 बोलने वाले हैं, इसको डॉट कार्ड 4 4 बोलेंगे, डॉट कार्ड 4 2 एंड डॉट कार्ड 4 4, ये भी बता देगा कि ये और ये दोनों सेम है. ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जो इमेज मैंने यूज की है इस वीडियो लेक्चर के लिए, ये इमेज है अनिल तेवतिया सर द्वारा लिखी गई बुक की, जो अभी फिलहाल डाइट दिलशाद गार्डन में प्रिंसिपल के तौर पे वर्क कर रहे हैं. थैंक यू, आई होप आपको नंबर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपके हर सीटेट के क्वेश्चन में इसका एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी एक अलग से वीडियो बना के समझा दूं, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए. अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.